हेलो जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने न्यूज़ शेयर करी थी कि साक्षी ऋषि की फर्स्ट ब्रांच खुल रही है इंदिरापुरम में, एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडियो है अभी पीतमपुरा में, उसको भी शिफ्ट करने का टाइम आ ही गया था, तो वो भी शिफ्ट हो रहा है पीतमपुरा में ही। तो अब ये जो मैं आपको अभी मैंने कहा आपको मैं एक स्टूडियो टूर दे देती हूँ, ये जो क्लिप है ये कुछ दिनों पहले की है जब हमारा पीतमपुरा वाला स्टूडियो फाइनलाइज हो चुका था, यहाँ पे काम शुरू होना था। एंड मैं अभी की अपडेट दूँ आपको, तो लाइव अपडेट, तो इंदिरापुरम वाला स्टूडियो परसों हमारा सब कुछ फाइनल हो गया है, कल से वहाँ पे फाइनली काम शुरू हो गया है। थोड़े से देखो हिकअप्स तो आते ही है, जो आप प्लान करते हो शेड्यूल ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो थोड़ा सा वैसा हो गया, बट फाइनली इंदिरापुरम भी अब फाइनल हो गया है एंड वहाँ पे भी शुरू हो गया काम, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में वहाँ का भी टूर भी दूंगी एमटी वाला। फिलहाल अभी आप इंजॉय करो, ये पीतमपुरा वाला एमटी स्टूडियो टूर है एंड आपको दिखाती हूँ हम कैसे क्या क्या प्लान कर रहे हैं। तो भाई ये है हमारी लोकेशन पीतमपुरा वाले स्टूडियो की, नए वाले स्टूडियो की, तो यहाँ पे हमारा स्टूडियो बनने वाला है ये वाली बिल्डिंग में मतलब, एंड साथ में ऐसा कुछ है, तो काफ़ी अच्छी ओपन रोड है बाहर, एंड एड्रेस आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। एंड अभी तो खैर अभी डोर पे भी सरमाइका नहीं लगा हुआ, बट ऐसा कुछ है, जाओगे आप दो एंट्रेंस है एंड बाहर के एरिया में यहीं पे ही हम एक पैंट्री का प्लान कर रहे हैं बनाने का, जो कि अभी बन चुकी है, लाइव अपडेट ये है तो खैर पहले का है। एंड छोटी सी एक पैंट्री लाइक यू नो वहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएँ। एंड ये डबल डोर एंट्री है, अभी सिंगल दरवाज़ा खुला हुआ है, एंड हमें ये स्पेस इसलिए पसंद आई थी, ये रहा पूरा हॉल एंड ये रही हमारी चिया विद हिमांशी। तो ऐसा कुछ एम्प्टी हॉल है सामने घुसते ही, ये अभी तो लेफ्ट में यहाँ पे बनेगा रिसेप्शन, क्योंकि पीछे डिस्प्ले यूनिट है, सामने कुछ एक ब्यूटीफुल सी वॉल बना देंगे जहाँ पे फोटो शूट्स या ऐसे कुछ के लिए। तो हमें एक ऐसी वॉल भी चाहिए थी जो कि लेफ्ट और राइट में नहीं बन सकती थी बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले यूनिट्स, इसको हम यूज़ कर लेंगे अलग तरीके से। और यहाँ पे बनेंगे शैम्पू स्टेशन, पेडिक्योर स्टेशन, पानी का कनेक्शन वनेक्शन सब करना पड़ेगा। तो ये हमें इसलिए पसंद आया बिकॉज यहाँ पे ना ऑलरेडी फ्लोरिंग और सीलिंग का काम हुआ था, तो जब भी आप कोई स्पेस देखते हो कुछ भी स्टूडियो टाइप या कुछ भी बनाने के लिए, तो उसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट सेव हो जाती है। यहाँ पे बनेंगे दो ब्यूटी रूम्स, एंड दोबारा अगर एंट्री करके देखें तो सामने है एक वॉल, ये बनेगी बॉस कैबिन, एंड सामने यहाँ से कुछ होगा एंट्रेंस या अभी लेफ्ट में हम वी वर नॉट यू नो श्योर देन। एंड यहाँ पे बनना था, यहाँ पे बना है ड्रेपिंग रूम, ने थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर दिया, अभी लेवल पे आ गया जस्ट विद द बॉस कैबिन। तो बॉस कैबिन जो है वो एकदम ऑपोजिट है रिसेप्शन के, एंड लेफ्ट में जो भी स्पेस दिख रही है आपको एल शेप चिया के आगे, तो वहाँ पर बनेंगे, वहाँ पे सारे हेयर सेक्शन आएंगे, 5-6 चेयर्स जितनी भी आ सकेंगी। तो बेसिकली लेफ्ट में है रिसेप्शन इस वुडन वाले फ्रेम के आगे। रिसेप्शन हम सामने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि फिर हमारी वो फोटोग्राफी वाली वॉल चली जाती, एंड ये डोर हमेशा खुला रहेगा। यहाँ से राइट में जाएंगे तो हमारा सामने सीनियर के नीचे स्टोर यहाँ पे कवर हो जाएगा पूरा, जो कि हो चुका है, लाइव अपडेट ये है। एंड राइट पे है ब्राइडल मेकअप रूम, जो आई थिंक शायद बंद था उस वक्त। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई सेम एक्सपेंस जो हमारे पहले थे उसमें हम एक और ब्रांच खोल सकें, थोड़ा सा एक्सपेंस हल्का फुल्का बढ़ेगा भी, तो यू नो हम ज़्यादा ऑडियंस पे केटर कर सके, तो हैंस एक ब्रांच भी खुल रही है एंड यहाँ पे भी एक चेंज हो रहा है। आई एम गोना कीप इट वेरी सिंपल, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होगा, बट आई होप आपको पसंद आए अभी एमटी स्टूडियो टूर। Hey guys, what's up and welcome to the vlog from the UK. I hope everyone's doing good. Mera bhi ye thoda busy chal raha hai kaam pe as usual, and aaj main London mein gaya tha to work, but the good news is out as you've seen in the last vlog, and of course this vlog maybe aap dekhoge kuch na kuch that Sakshi and Rishi are actually opening a new branch in Indirapuram, and also jo existing branch hai Pitampura wali, that's going to be in a new place in the same location though, in Pitampura. So yeah, do nene salon basically, you know, it's a lot of work that's going behind the scenes, but it's very exciting to see. And as I always say to you know both Sakshi and Rishi, that you know I'm very proud of them. Ye kaam bas karte raho, mehnat karte raho, aage badhte raho, yahi dekhna hai. And we all you know really admire the hard work that goes, you know, not just in front of the screen but behind the screen as well. And main to roz se baat karta hi hu, raat ko meri usse aaram se proper video call wagera hoti hai, din mein bhi hoti hai but raat ko proper video call ho pati hai, jisme chia se bhi kafi zyada FaceTime WhatsApp video calls ho jati hain. To yeah, I mean gappo dekhne mein maza aata hai, so yeah, I'm really missing them. Ghar suna suna lage to hota hi hai thoda thoda, you know that song, but yeah, they'll be back soon, but
अभी चल रहा है वहां पे काम, तो भसड़ मची पड़ी है फुल। अभी मैं वीडियोस मेरे को भेजती रहती हूँ उर्वशी की, पीछे काम क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स वाली, कि वहां पे कारीगर वगैरह भी आए होते हैं, इलेक्ट्रिक का काम, पानी का काम, स्टूडियो में बहुत सारे काम चल रहे हैं पीछे। एंड देन अब दूसरी वाली जो न्यू ब्रांच खुल रही है इंदिरापुरम में, वहां पे भी शुरू हो जाएगा काम। एंड बस यही सब, यू नो, बिजनेस एज यूजुअल। एंड सोचा मैंने क्लिप भेज दूं आज, अगले वाले व्लॉग में मिलते हैं। ये दिखाना जरा भाई, काफी चीजें ऐसे निकल रही है, मैं पता ही नहीं है फेस स्कैन जाकर। हाँ देखो भाई करते हो। तो गाइस आज हो रही है पैकिंग एंड बड़े सारे खजाने निकल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ पर थे। तो सारी पैलेट्स को हम क्लीन करके प्रॉपरली लगे हुए हम लोग अच्छे से पैक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं प्रॉपर की ये कॉन्टोरिंग है, ये फाउंडेशन है। मैक के तो इतने एम्प्टीज निकले हैं। मैक का अगर आपको शायद पता ना हो तो मैं बता देती हूँ, बैक टू मैक का सीन होता है। तो जितने भी एम्प्टीज होते हैं मैक के फाउंडेशन वगैरह, इफ यू रिटर्न आई थिंक 5 बॉटल्स पे तुम्हें एक लिपस्टिक फ्री मिलती है, ऐसे कुछ होता है। तो कभी भी मैक की चीजें मत फेंको, बॉटल्स वगैरह सस्टेनेबिलिटी की तरफ है वो, तो बहुत अच्छी चीज है। एनीवे आज होने वाली है पैकिंग। क्लिप से क्या क्या हो गया, बस ये मेकअप मेरे सामने तो मेकअप ही हो रहा है। आपने कुछ करा पहले वाला? हेयर का भी हो गया मैम, हेयर का एक्सेसरीज वगैरह। आपकी वैनिटी भी मैम, पूरी वैनिटी हो गई, पैक कर दी पूरी। क्या बात है भाई, बहुत क्विक है। लो ठीक क्या आते हैं, हल्का सा कार्टन्स आए हुए हैं। यश भी कर रहा है पैकिंग। हेलो यश। विकास कर रहा है गाने सुनते सुनते, प्रॉपर वो सेग्रीगेट करके करो ना, कैटेगराइज करके, है ना, तो खोलने में इजी रहेगा हमें। बस कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। हमारी क्लिप्स कब जाएंगी, बट हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। साक्षी भी फोन पे, हम साक्षी से मिलवाते हैं। गाइस काफ़ी सारी अपडेट्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ चल रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पुराने वाले सलोन वाले ड्रॉर्स हैं, यहीं पर सारा माइका चेंज हो रहा है। यहीं से ये माइका यही वाले जाएंगे इंदिरापुरम, सेम माइका ही करवा रहे हैं हम, जो हमारी दूसरी वाली ब्रांच खुल रही है, यही वाले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। हाँ जी भाई हो गया? यस बॉस। आ जाओ, मैंने कहा साक्षी से मिलवा देती हूँ। हम इतने ज्यादा क्लूलेस है कि कौन सा कंटेंट का हम ना बस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आधा टाइम भूल जाते हैं हाँ। और कुछ दिन मतलब अब हमें बाद में रिलाइज हो शिट हम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे। हमने कहा चलो कुछ तो हम डॉक्यूमेंट तो कर दे रहे भाई कि क्या बन रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने काफी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी करी है, हमने पुराने सामान को ही नया रीयूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना, चीज वेस्ट नहीं और बजट में रहना है। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, बजट का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एग्जैक्टली हम कोई इतना ओवर स्पेंड नहीं कर रहे, मतलब ऑब्वियसली यार जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना कर रहे हैं, लेकिन उसी में वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड ऑल्सो, ओपन अनदर ब्रांच ऑल्सो, एंड होपफुली टच वुड जल्दी हो जाएगा सब कुछ, हो जाएगा। एंड अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी अपने सपने जो है वो पूरे कर सकता है। सपने सच होते हैं, बस देखने चाहिए। एग्जैक्टली इस वक्त तुम्हारी लगी पड़ी जो मैं ज्ञान की बातें बता रहे हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पर अभी काउंटर बन रहा है और सेम ऐसा बनेगा साक्षी इंदिरापुरम के लिए भी, है ना, बनेगा इंदिरापुरम के लिए भी। पिंक काम होगा, पिंक होगा, लाइट होगा, हाँ सेम ये वाले जो हमारे आई थिंक 15 ड्रॉर्स है, हाँ ड्रॉर्स हमारे हम रीयूज कर रहे हैं, आपके सारे ड्रॉर्स आएंगे, तो सात यहाँ हाँ सात वहाँ, बस सिर्फ सनमाइका का चेंज होगा। एंड सेम हमने अपनी चेयर्स, हमारी ब्लैक थी अगर आप लोगों ने देखा होगा मैं आपको सुनून पुराना वाला, कल सारी चेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे, भैया यहीं बैठ के सबको करेंगे, तो वो भी हम कुछ यहाँ पे रख देंगे, कुछ चेयर्स वहाँ पे चलेंगे। उसका हम ब्राउनिश टैन कलर है ना, गोल्डन ब्राउन से कलर करा रहे हैं, तो बस सिंपल सा ही कर रहे हैं गाइस। लेकिन इस सिंपल ने जो हमारी ले लिया ना, हम आपको बता नहीं सकते। एंड जो भैया ये लोग मेहनत करते हैं ना, इनके तो हार्ड शॉप लगे रहते सारा दिन। तो बस अब जल्दी आई थिंक ये वाला काम शायद 4-5 डेज में वाइंड अप हो सकता है, उम्मीद लग रही है। फिर उसके बाद हमारी वहाँ लगी, हाँ यार बस वहाँ पे जल्दी शुरू हो यार। अभी फिलहाल हमारा मेन टारगेट है कि वो जगह की फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक भी इशूज है वो साक्षी शायद बताएगी आपको, मतलब जो भी कंसर्न आ रहे हैं बताऊंगी हर कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे भी जाके आपको देखना है। तो साक्षी को भी रिकॉर्ड करे जा रही है, बाल खा रही है, तो बस वो जगह फाइनल हो जाए, फिर वहाँ पे सेम प्रोसीजर शुरू होएगा। एंड जल्द से जल्द हो गुड विशेस चाहिए, बस गुड विशेस चाहिए आप सबके, कि जो हम सोच रहे हैं जो हम प्लान कर रहे हैं वो बस अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले। बाधाएं तो आती रहेंगी, वो लाइफ का पार्ट है सीरियसली, बट आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है हमें। और ये बच्चा मेरे बाल ही खाए जा रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया, मेरे बाल है बेटा, वो कुछ मैगी थोड़ी है। पर एनीवे गाइस अच्छे मन से कर रहे हैं हम, तो अच्छी जल्दी जल्दी होएगा। एंड दोनों इसी मंथ में हम खोल देंगे,
भाई पकड़े जा रही है क्या कर रही है नो नो में भी हंस रही है नो अबे नो ये काम काम चेक करो आप काम देखो नो चिया